चाचू मुझे अमन के पास जाना है। चाचू चन्नी बोला क्या है? चाचू मुझे अमन के पास जाना है। चन्नी प्लीज बोला तो क्या हुआ होता? क्या हुआ? चाचू ने अमन को वापस भेज दिया। अमन को वापस भेज दिया इन लोगों ने। चाचू चन्नी प्लीज हिम्मत मत हारो प्लीज। चाचू मैं तो सब कुछ हार चुकी। नहीं बेटा बेटा तुम कुछ भी नहीं हारी हो। देखो अगर अमन तुमसे सच में प्यार करता है ना तो वो दुनिया की सारी सरहदें तोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। हेलो 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 मैं चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी अमन कहाँ है? अमन से बात करनी है हमें। जी मैं देखो चांदनी उससे कहो उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। यहाँ सब कुछ बिखर गया है। वो है कहाँ? हेलो हेलो अब तक तो फिर वो है कहाँ? मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। हिंदुस्तान जा रहा हूँ। हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अबू मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। और चांदनी एक हिंदुस्तान। चांदनी एक हिंदुस्तान। चांदनी एक हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अबू मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। और चांदनी एक हिंदुस्तान। चांदनी एक हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अबू मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। मैं चांदनी को बहुत चाहूँ। और चांदनी एक हिंदुस्तान। चांदनी एक हिंदुस्तान। कहते क्यों नहीं? क्या चल रहा है आपके अंदर? ये कैसी खामोशी है? हमें निकाह टूटने का जरा भी गम नहीं है बल्कि खुशी है कि हम ऐसे खानदान में नहीं गए। अब्बू अगर इस वक्त हमें फिक्र है तो सिर्फ अमन भाई जान की। पता नहीं कहाँ और किन हालात में होंगे वो। क्या बात है? ना फोन ना कुछ, अचानक आप? एक्चुअली अंकल मैंने अचानक ही डिसाइड किया कि मुझे शॉपिंग करनी है। कर भी लेनी चाहिए। शादी की तारीख जितनी नजदीक आएगी उतनी ज्यादा भाग दौड़ बढ़ती जाएगी। और वैसे भी पॉप को आपसे मिलना था तो मैंने सोचा क्यों नहीं। झूठ! मुझे ये बोलकर लाया कि मेरे साथ शॉपिंग करने जाएगा लेकिन यहाँ आकर करवट बदल रहा है। अरे कम ऑन पॉप, बी अ स्पोर्ट। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ शॉपिंग करूंगा और वो भी अंकल चांदनी के होते हुए। देखा केदार, आजकल के लड़कों की हिम्मत। बच्चे हैं। अंकल चांदनी कहाँ है? I love you, Aman. I really love you. Aman, I love you so much. चांदनी, चांदनी पॉप ने उनसे कहा है कि हम दोनों को शॉपिंग में जाना चाहिए। हेलो 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 लिसन लिसन लिसन, मैं भी वही चाहता हूँ। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। प्रॉमिस। प्लीज 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 प्लीज। ओके ग्रेट, सो लेट्स गो। कम, मैं चेंज कर लूँ? ओह ओके ओके ओके, चेंज चेंज बट फास्ट। हाँ, आई एम वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। या सच केदार, एक बात तो माननी पड़ेगी, चांदनी को तूने संस्कार अच्छे दिए हैं, वरना आजकल के जमाने में ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
It's really wonderful, yaar. चल 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 मान है बप्पू तेरे को, तू भी मजनू का बाप निकला, लेकिन बप्पू संभल के, वरना तेरी लैला भी ना तेरे गम में गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे अमन दीवाने को, झिंचक 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 था। चल, ये होटल कुछ महंगा नहीं लगा यार? तू बहुत बोर है यार, हमेशा पैसा पैसा करते रहता, मैं हूं ना इधर झोल करने के लिए। तू देख एक्चुअली चक्कर क्या होता ना, ये जो छोटे होटल होते ना पुलिस लोग ज्यादा छापा मारते हैं, बड़े होटल में पुलिस लोग आते नहीं है, उनका हिस्सा जाता ना यहाँ से, उनको भी पेट है भाई। चल। हेलो, ओ राहुल उस्ताद, कस्टमर लाए हूँ, चाबी निकालो। क्या नाम लिख दो सर? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ गुरबच्चन सिंह, फुल नेम? पंजाब से। ओ तो नाम से ही पता चल गया था। यहाँ सही कर दीजिए, 210 की चाबी दे दो। हरियाणा के है। भैया ये यार, मैं देख रहा हूँ कि मेरा कुछ हुनर आप पर भी आ रहा है। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। वेरी सिंपल, थैंक यू। मुँह छुपा, ये नहीं, ये पूरा छुप जा, छुप। बप्पू इधर स्विमिंग पूल भी है। हाँ, रूम का पानी खलास हो गया तो स्विमिंग पूल में डुबकी मारने का, सिंपल। और उसके बाद गए। तुम तो कह रहे थे पुलिस नहीं आती, यहाँ बड़ा होटल है, कभी कभार आती है, वो यहाँ खाना अच्छा मिलता ना यार। तू सवाल बहुत पूछता है यार, तू चल चल, अच्छे से चल यार। जब मैंने सोचा कि वो मना करेगी तो मुस्कुराती हुई उनके साथ चलेगी। अब तुझे इसमें भी तकलीफ है? तकलीफ ना हो तो और क्या हो, उसने उन लोगों से जरा भी कुछ अनाप शनाप बक दिया तो जानती है क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। मुझे तो अब इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। तो एक काम क्यों नहीं करती, तलवार लेकर आओ, उसके गर्दन काट डालो। रहने दीजिए बीर। क्या रहने दीजिए, इसकी औलाद इसकी अपनी दुश्मन बन गई है। अरे अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है तो उसे जान से मार क्यों नहीं देते, क्यों लाए थे उस दुनिया के अंदर, क्यों? अरे उस बच्ची ने ऐसे क्या गुनाह कर दिया है जो उसका अपने ही घर में रहना दुश्वार हो गया है? जिस बाप के कंधों पर बैठकर घूमा करती थी, आज उसे आंख साथ मिलाकर बात नहीं कर सकती, क्यों केदार? प्यार को भी गुनाह बनाकर गिना जा रहा है। वाह केदार वाह, मुझे गर्व है कि मैंने ऐसी नेक सोच वाले इंसान को अपनी कोख से जन्म दिया है। चांदनी, आज की शॉपिंग से तो तुम खुश हो? अरे पॉप, खुश कैसे नहीं होंगी, चांदनी की पसंद और नापसंद मैं अच्छी तरह से जानता हूं, है ना चांदनी? चांदनी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तुम हमारी बेटी जैसी हो, इसीलिए कभी भी संकोच मत करना, बी ऑनेस्ट एंड ओपन विद अस ऑलवेज। अगर तुम्हें वेस्टर्न क्लोथ अच्छे लगते हैं तो शादी के बाद भी तुम वेस्टर्न क्लोथ पहन सकती हो, वी हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट, है ना बेटा? एक्चुअली चांदनी, पॉप ये चाहते हैं कि उनकी बहू शादी के बाद भी वेस्टर्न क्लोथ इसलिए पहने कि ताकि जब पॉप अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठे हो तो शो ऑफ कर सके कि देखो मेरी बहू, देखो कितनी मॉडर्न है। ओए पागल हो गए क्या? एक मिनट पॉप, अभी आप फिर रहे हो? अरे चांदनी के सामने क्या शर्मा रहे हो पॉप, वरना हमेशा मुझे सीख देते थे कि बेटे जब भी शादी करो तो एक बहुत ही मॉडर्न लड़की के साथ करना, वरना मत करना। चांदनी ये भी ना, यू जस्ट वॉच आउट फॉर हिम। बात ये है कि हमने अन्नू को बेटे से ज्यादा दोस्त का दर्जा दिया है, but we like it that way. After all, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अगर एक दूसरे से डरेंगे वो कभी भी खुश नहीं रह सकते. You agree with me? I do. Now you know who's going to be a best friend when you come to Sorry, actually my left eye.
उबली फुबली मेरा भी यार थैंक यू यू नीड हेल्प नो ओके ले 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 थैंक यू मैडम मैंने क्या कहा था अगर मैं इस मुल्क से वापस लौटूंगा तो अकेले नहीं तुम्हें साथ लेकर लौटूंगा चांदनी लेट्स गो सब मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं इस वक्त अपनी बेटी का दुश्मन बन गया हूं मैं मुझे यह सब मंजूर है लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से नरक की आग में जलने के लिए झोंक दूं यह मैं हरगिज नहीं करने वाला जज्बाती मैं भी हूं लेकिन इतना भी नहीं कि यह ना समझूं कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सुन रही है ना आप मुझे अपनी बेटी के बारे में औरों से ज्यादा फिक्र है उसे कांटों पर पांव रखते हुए देखूं और चुप रहूं ये औरों से हो सकता होगा मुझसे नहीं सुन रही है ना आप अरे तो चुप रहे अपने बकवास बंद कर राजेश आया है राजेश पुत्र जी जी जीता रे मेरे बच्चे मैं बहुत खुश तेरी कब से राह देख रहे थे हम बीजी छुट्टी मिलने में जरा वक्त लग गया मगर अब चांदनी की शादी के बाद ही वापस जाऊंगा मैं बहुत खुश हूँ चाचा अपने पापा के पैर छू चल बेटे जा गले मिलो जंग से वापस लौटे हो भाई अरे गले मिलो कैसे हैं पापा बस अपने हिस्से की जंग हम भी लड़ रहे हैं लेकिन तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यहां की जंग लड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ होगा माँ और चांदनी कहाँ है चांदनी शॉपिंग के लिए गई है माँ अंदर सो रही है जा उठाओ उसे तुझे देखकर सबसे ज्यादा खुश वही होगी जा क्या बात है दीदी आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे केदार मैंने तुझे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा ये भी कोई सवाल हुआ मेरा बेटा घर वापस लौटा है सही सलामत इसलिए खुश हूं बेटा तो पहले भी कई बार जंग से वापस आया है लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा वक्त वक्त की बात है पहले खुश नहीं हुआ तो क्या आज खुश नहीं हो सकता मुझे तुम्हारी खुशी कुछ और ही बता रही है क्या कह रही है कह रही है कि राजेश को तुम अपना हथियार बनाकर चांदनी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हो राजेश बेटा तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है मैं जानता हूँ मम्मी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको हाँ पापा को इस तरह गले लगाकर मेरा स्वागत करते हुए देखकर मैं भी हैरान हो गया था बेटा तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत चिंता करते हैं सरहद पर लड़ाई की खबर सुनते ही वो टीवी ऑन करके या फिर अखबार लेकर बैठ जाते हैं ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि वो तुमसे प्यार नहीं करते राजेश वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं कहाँ चले गए माँ बेटे ये गायत्री तो राजेश को दो चार दिन के लिए छोड़ने ही वाले नहीं हमारे लिए है ना बीजी बहुत दिनों के बाद गायत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटी है ना बीजी अरे भाई बेटा घर लौटा है इसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ खातिरदारी करो इसके मैं अभी खाना लेके आ आ बेटा ये लो चांदनी भी आ गए भैया व्हाट अ सरप्राइज हाय चांदनी
क्या हुआ? अरे भाई, हमें भी फौज के किस्से सुनाओ। कितने पाकिस्तानियों को मारा इस बार? भाई देखो, यहां बैठे बैठे तो हमें सिर्फ टूटी फूटी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तुमने तो अपनी आंखों से देखा होगा ना उन पाकिस्तानियों को हमारे लोगों पर गोलियां चलाते हुए। जी हाँ पापा, सरहद पे तो साल के हर दिन गोलियां चलती हैं। समझ में ये नहीं आता कि ये लोग आखिर हमसे इतनी नफरत करते क्यों हैं।